हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो हिटमैन 3। आज हम लोग करेंगे हिटमैन 3 का सेकंड मिशन, जिसमें हमें एलेक्सा को मारना है। ये एक लेडी है जिसका एक बहुत बड़ा मेंशन है और उसके घर पे कोई डेथ हो गई है, बट हम लोगों का सिर्फ मिशन है एलेक्सा को मारना और उसके यहाँ से केस फाइल चुराना। तो भाई, बिना कोई भी देर करे हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाला मिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, मिशन स्टार्ट होने वाला है। थोनब्रिज तो मैनर। भाई, ये मेंशन है जहाँ पे वो एलेक्सा रहती है। हम लोग घुसेंगे इस घर के अंदर। देखो कितना बड़ा घर है भाई, इतने बड़े घर के अंदर वो मैडम को ढूंढना मुझे नहीं लगता कि कोई आसान गेम होने वाली है। भाई, मैडम ने कोई इन्वेस्टिगेटर बुलाया घर के अंदर, वो जो गेट पे खड़ा है, और गेट पे दो दो गार्ड्स हैं, और जो जिनके ऊपर भी ये वाइट निशाना रहा है, दैट मीन्स वो हम लोगों को जानते हैं। भाई, हम लोग चुपचाप घुसते हैं घर के अंदर बिना किसी की नजरों में भी आए। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। भाई, क्यों ना हम इन्वेस्टिगेटर के ही कपड़े ले ले, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत ही ज़्यादा आसान होगा अंदर घुसने के लिए, और कोई भी हमें पहचानेगा नहीं, कोई ये नहीं समझेगा कि हम हिटमैन हैं। अच्छा, सिक्का सिक्का फेंकते हैं। दैट इज फिनियस विटमर, द फेमस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर्ड बाय मैडम कार्ला दिस मॉर्निंग। आई भाई, एम जैसा मैंने क्यूरियस आप लोगों को व्हाई बताया था, सर, हमें भी इंटेल वही मिला है कि मेबी कोई यू शुड डू समथिंग इन्वेस्टिगेटर को हायर किया मैडम ने, उनके घर पे कुछ डिटेक्टिव मर्डर हो गया। रिसर्च। भाई, लालच ना बहुत बुरी बला है। अरे, क्राइम किसने नोटिस कर लिया भाई? किसने देख लिया हमें क्राइम करते हुए? किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। भाई, बॉडी छुपाई, गन गई अंदर, अपने सिक्के उठाए और चलो घर के अंदर। और सबसे बढ़िया बात है, हमें किसी ने नहीं देखा। हाँ, बिल्कुल ले चलो हमें मैडम के पास। हम तो मैडम के पास जाना चाहते हैं, उनको मारना चाहते हैं, और हम चाहते ही क्या है? भाई, सीधा सीधा ले चलो यार, हमें कोई डिले नहीं चाहिए, कोई डिले नहीं चाहिए अपने को। भाई, सबसे पहले मैं अपनी गन छुपा दूं, क्योंकि ये अंदर जाते ही चेकिंग करवाएंगे साले, तो भाई यहाँ पे गन छुपा देनी चाहिए हमें। भाई, कोई दिक्कत नहीं, अंदर जाके फटाफट गन जाके चुरा लेंगे वापसी से। हाँ, कर ले भाई, चेक कर ले, तू तरीके से चेक कर ले। कोई, हम हल्के फुल्के हिटमैन नहीं है भाई, हमारे पास पूरा दिमाग है। हम लोग गन कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, खूब पता। भाई, सबसे पहले जाते हैं, गन ही लेके आते हैं, इससे पहले मैडम आए। ये आ गई मैडम। मिस्टर विटमर, भाई, दिल तो है यहीं पे इसके खोपड़ी में चढ़ा दूं 6-7 गोलियां, बट यहाँ बहुत सारे गार्ड्स हैं। बस हवा निकल गई। अरे, मैं यहाँ खड़ा हूँ मैडम, कहाँ देख रहे हो? हाँ, ऐसे देखो, सामने आंखों में आंखें डाल के बात करो। वेरी वेल, आई सपोज यू विल वांट टू स्टार्ट एट द क्राइम सीन। इन माय एक्सपीरियंस, अ थॉरा एग्जामिनेशन ऑफ द पोटेंशियल। भाई, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इसके घर में कोई मर्डर हुआ है, शायद इसके भाई का मर्डर हुआ है, और ये चाहती है कि हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट करें, बट हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हम लोग मारने वाले हैं सीधे इस मैडम को जाके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई, उन्होंने हमें बटलर पकड़ा दिया ताकि हम लोग उसके भाई के रूम को जाके इन्वेस्टिगेट करें, बट हम नहीं करने वाले। आई एम सॉरी बाबू। हम लोग जाएंगे आपके पीछे, आप ऊपर जाओ, हम आपके पास आते। भाई, इन्वेस्टिगेटर के कपड़े पहनने से ना एक फायदा हो गया हमें, हम लोगों को पूरे घर का एक्सेस मिल गया। अरे, क्या लप्पू झप्पू कर रहा है? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हम लोग चलते सीधे थर्ड फ्लोर पे, जहां पे मैडम जा रही है। मैडम के पीछे पीछे ही चल लेते हैं। क्योंकि मैडम ही हमारा टारगेट है। भाई, क्या हम लोग मैडम के साथ ऊपर जा पाएंगे? कमेंट सेक्शन में फटाफट आके बता देना, क्या हमें भी एंट्री मिलेगी ऊपर? देखा, मुझे लगा ही था।
ये नहीं जाने देंगे हम इतनी आसानी से। अरे नहीं 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 जा रहे भाई, जा रहे वापसी, जा रहे। शांति शांति प्रभु शांति। सर्च किसको करने लग गए, हम ही तो थे। तो भाई हम लोगों को लेने पड़ेगी गार्ड की ड्रेस। भाई मैंने अभी एक गार्ड देखा था जो लप्पू झप्पू कर रहा था, उसी को मार के उसी की ड्रेस ले लेते हैं। कहाँ था वो लप्पू झप्पू वाला गार्ड? हाँ इसी बालक इसी लॉबी में था। कहाँ गया? इस लॉबी में था। किस लॉबी में था? किसी लॉबी में तो था वो। ये क्या? ना ये रहा वो लप्पू छप्पू गार्ड। तू तो गया बेटे। भाई चलो बहुत बातें हो गई, निकलो यहाँ से। और हमें आपके कपड़े चाहिए। चलो दरवाजा बंद करें। सॉरी ब्रो, आई नीड योर ड्रेस। भाई हम लोग यहाँ से बॉडी डंप कर देंगे तो नीचे जो बंदे हैं वो देख लेंगे। क्या बेकार है आइडिया। चलो हम लोग गार्ड बन गए, हम लोग चलते हैं अब ऊपर। अब मुझे लगता है हमें आराम से एंट्री मिल जाएगी ऊपर जाने की। अरे रे 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 रे, ये गार्ड हमें जानता है। तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहाँ से जाएंगे। भाई एक और गाड़ा हमें सामने से जानता, तो हम लोग साइड से बिल्कुल शांति से निकलेंगे यहाँ से। बिल्कुल भी उससे नजरें ना मिलाए। हाँ बस यही करना था हमें। भाई हम लोग आ गए मैडम के ऑफिस के अंदर, जहाँ पे हमें मिल सकती है हमारी फाइल। भाई यहाँ कुछ तो हिंट मिल रहा है अपने को। Gotta dig this place. Ancestral graveyard, trophy room, and the office safe is hidden behind a portrait with a secret mechanism for. भाई हमें पता चल गया, एक फोटो है उसके पीछे, कुछ तिजोरी सी है। A safe in Madame Carlyle's office. I bet that's where she keeps the file on Arthur Edwards. तो भाई गार्ड्स थैंक यू सो मच बताने के लिए। यहाँ है इसके पीछे, हमें बटन मिल गया। भाई हमें ऊपर से कोड मिलेगा, घड़ी, टेलीस्कोप, आग और बारहसिंगा के पास से हमें नंबर्स मिलेंगे। हम लोग फटाफट जाते हैं, नंबर्स ढूंढते हैं। ये रही घड़ी, 1। तो भाई नंबर याद रखना सारे फटाफट। 1 पहला नंबर है 1। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप कहाँ हो सकता है? टेलीस्कोप होगा छत के ऊपर, तो हम लोग छत के ऊपर चलते हैं। भाई फटाफट भाग भाग के जाते हैं और देखते हैं कि क्या है। मेरा टेलीस्कोप भाई कहाँ होगा नंबर, कहाँ होगा नंबर? हीरा 9। भाई अब चलते हैं आग के पास। वो रही आग, बारहसिंगा भी हेरा, बारहसिंगा के ऊपर भी नंबर देख लेते हैं 5। और आग के पास क्या नंबर है? आपके आग के पास नंबर है 7। तो भाई कोड हो गया 1975। तो फटाफट कोड डालते हैं और अपनी फाइल उठाते हैं। 975। तो भाई हम लोगों को फाइल तो मिल चुकी है, अब मैडम को मारने का टाइम आ चुका है। भाई उससे पहले हम लोगों को उस गार्ड का कुछ करना पड़ेगा। Time to take care of Madame Carlyle.
क्योंकि वो गार्ड बिल्कुल सामने खड़ा है। और ये जो मैडम है बार बार सफाई करने यहाँ क्यों आ रही है मुझे ये नहीं समझ आ रहा। भाई मैडम यहाँ से ऊपर आ रही है और ये गार्ड भी सामने है। भाई कोई और रास्ता है क्या यहाँ से निकलने का? हाँ हाँ है तो सही। भाई मैडम तो यहीं आ रही है। क्या मैडम यहाँ आएंगी? और अगर मैडम यहाँ आ गई तो हम आसानी से मैडम को मार लेंगे। भाई लगता है इन लोगों को शक हो चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक गार्ड मारा था और उसकी गन यहीं पड़ी है। भाई उनको एक और बॉडी मिल गई है। भाई मैडम भाग रही है। भाई हम लोगों को ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मैडम भी भाग रही है। वो भाग भाग के कहाँ जा रही है कुछ समझ नहीं आ रहा। हम लोग भी नीचे चलते हैं इससे पहले। It was at this moment that he knew he fucked up. भाई मैडम आ रही है घर के अंदर। मैडम जैसे इस कमरे के अंदर जाएंगी हम लोग फटाफट जाके उठा लेंगे मैडम को। मैडम आ गई अंदर। हम लोगों को बिल्कुल भी नजर नहीं आना। मैडम ने कर लिया दरवाजा बंद। अब मैडम की मौत का समय आ चुका है। मैडम सॉरी बाय बाय। मतलब मुझे लगता है ये हिटमैन का सबसे आसान मिशन है अभी तक का क्योंकि भाई इतनी जल्दी ये मिशन पार हो गया ना। मतलब मज़ा ही आ गया यार। क्या मारने में मज़ा आया मैडम को। तो भाई हम लोग सीधा जाके लेते हैं एग्जिट क्योंकि भाई ये मिशन तो हो गया बहुत ही जल्दी पार। तो भाई आप लोगों की भी अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम लोग तो जा रहे हैं एग्जिट की तरफ। और भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो यार। मुझे पता है कि आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तभी आप लोग इतने व्यूज़ दे रहे हो। तो भाई हम लोग जा रहे हैं एग्जिट की तरफ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी आपके लिए थर्ड वीडियो ला पाएं। और वीडियोस बनाने में सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाया करो। तो
तो भाई हो गया हमारा सेकंड मिशन पार, और कल हम लोग आएंगे थर्ड वीडियोस के साथ। तो भाई प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।